कुछ महीने पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है। इनमें से बहुत सारे व्यक्ति ने मेरे से कमेंट किया कि भाई जब मैं आधार कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ तो पासवर्ड जब डालता हूँ तो इनकरेक्ट बताता है, रॉन्ग बताता है। आखिर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, या पासवर्ड मेरे से बन नहीं पा रहा, या पासवर्ड मेरे को समझ में नहीं आता है क्या डालना है, या ये टेक्निकल इशू है, आखिर है तो क्या है। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं UIDAI के वेबसाइट में आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड का जो फॉर्मेट है, तो आपको इस चीज़ को बहुत ही गहराइयों से समझना होगा। तो पासवर्ड का क्या फॉर्मेट है, तो जैसे यहाँ पर देखिए द आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, तो यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट ये माना जाता है, ये है एक्चुअली में। तो आप इसे कहीं भी किसी भी समय यूज कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ पे देखिए द आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी इन 8 करेक्टर, यानी कि आपको 8 करेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या आपको देना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम एस इन आधार इन कैपिटल, इसका कहने का ये मतलब है आपका जो नाम का जो शुरुआती लेटर है वो 4 लेटर कैपिटल में आपको इंटर करना है। जैसे आपकी आपका नाम है मिथुन कुमार, तो MITH, बस आपको 4 ही लेटर चाहिए शुरुआती का, वो भी कैपिटल में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं लेटर एंड ईयर ऑफ बर्थ इन YY फॉर्मेट, ये जो है ईयर ऑफ बर्थ, तो यानी कि आपका जो जन्म किन साल में हुआ है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पे कहता है डालने के लिए। तो जैसे आपका 2000, 2005 यानी कि 1995, 96, 99, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है क्या पासवर्ड देना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है मिथुन कुमार और मेरा जन्म हुआ 1999 में, तो मैं पासवर्ड क्या दूँगा अगर मैं आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने नाम का जो है 4 लेटर यहाँ पे दूंगा, वो भी कैपिटल में, MITH 4 लेटर। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ यानी किस साल में आपका जन्म हुआ है, तो मेरा हुआ 1999 में, तो यहाँ पे हम 1999 दे देंगे, अटैच कर देंगे, तो अब मेरा पासवर्ड बन गया। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में भी आप देख रहे हैं कि ANISHY KUM कुमार किसी व्यक्ति का नाम है और यहाँ पे इसका ईयर ऑफ बर्थ है 1989, तो इसका पासवर्ड बन जाता है ANIS 1989। तो यही एक जो है पासवर्ड आपको देना है जो कि 8 करेक्टर का होता है, 8 करेक्टर का होता है। तो आपको पूरी समझ में आ गया होगा किस तरीके से पासवर्ड यहाँ पे आधार कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन तरह से पासवर्ड दे सकते हैं, आपका कभी भी रॉन्ग नहीं बताएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे जब मैं आधार कार्ड डाउनलोड किया हूँ तो मैं अपने फाइल में चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ। ये देखिए मेरा PDF है, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो चलिए मैं भी पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो अपने नाम का क्या करना है, 4 लेटर कैपिटल में देना है, तो M हो गया, I हो गया, T हो गया, उसके बाद H हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको ईयर देना है, ईयर ऑफ बर्थ, तो आपका किस साल में जन्म हुआ, तो ईयर देना है आपके किस साल में जन्म हुआ, बस सिर्फ आपको ईयर देना है, मंथ और डेट आपको नहीं देना है। तो चलिए मैं ये ईयर दे देता हूँ, तो ईयर मैं अपना दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा देखिए डाउनलोड यानी कि पासवर्ड जो का पासवर्ड था वो खुल चुका है, आधार कार्ड मेरा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये है आपका उचित प्रश्नों का, उचित सवाल का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न जो आपको हो रहा था क्लियर कर चुका हूँ। और ये अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड किया जाता है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसी तरीके से पासवर्ड डालेंगे। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। धन्यवाद।